for more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. हेलो एवरीबॉडी, ये सेकंड रो क्यों छोड़ दिया सब लोगों ने? अच्छा, ये एसेंशियली एक म्यूजिकल है, इट्स एसेंशियली म्यूजिकल फिल्म, और आज हम अपना म्यूजिक लॉन्च करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने. तो सबसे पहले तो मैं अद्वैत को बुलाना चाहूँगा. अद्वैत, प्लीज ज्वाइन मी, जो फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं. बैठ के ले ले भैया, वरना वो लोग चिल्लाना शुरू करेंगे. और मैं बुलाना चाहूँगा अमित को और कौसर को. प्लीज़ जॉइन अस अमित. कौसर, कौसर ने लिरिक्स लिखे हैं, अमित ने फिल्म की म्यूज़िक कंपोज किया है, और बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक उन्होंने बनाया हमारे लिए. जैसे जैसे हमको चाहिए था बिल्कुल वैसे ही बनाया. और मैंने आप लोगों से कहा था कि सीक्रेट सुपरस्टार में बहुत सारे सीक्रेट सुपरस्टार्स हैं, तो आज मैं आप लोगों को हमारे पहले सीक्रेट सुपरस्टार से मिलाना चाहूँगा. इस फिल्म की जो आवाज़ है, जो पहली दफ़ा बॉलीवुड में गा रही हैं, मेघना. मेघना, प्लीज़ जॉइन अस. मेघना जो हैं वो 14 या 15 साल की हैं, और हम लोगों को एक ऐसे सिंगर की ज़रूरत थी जो हमारा जो किरदार है इंसिया का, जो ज़ायरा प्ले कर रही हैं, उनकी आवाज़ के लिए हमें एक आवाज़ की खोज थी. और बड़ी मुश्किल से हमको मेघना मिली है, और थैंक गॉड हमको वो मिली है, क्योंकि फिल्म वॉज हैवीली डिपेंडेड ऑन हर. एंड द बेस्ट वे फॉर मी टू इंट्रोड्यूस यू टू हर इज़ टू मेक यू लिसन टू हर वॉइस. आई सिंसियरली बिलीव के मेघना जो हैं, शी इज़ one of the potentially one of the biggest singing stars that our industry will see in the coming years. To sabse pehle main chahunga ki aap log meghna isse pehle ke kuch bolein wo gaaye hamare liye. So come, we'll take a seat, and Rhythm, please come up and help us in this. Thank you. Sorry. To ye gaana hai hamari film ka, jo pehla gaana hum launch kar rahe hain. मेघना आपके लिए लाइव गाएंगी, और अनप्लग्ड, सिर्फ रिदम जो है वो गिटार पे रिदम. कैसा लगा? हो गया. अमित, कौशल, प्लीज कम. अद्वैत, मेघना, और मैं बुलाना चाहूंगा अनुराग को, जो जी म्यूजिक से हैं. इज अनुराग या? हाँ, प्लीज कम अनुराग. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इट इज़ रियली अ प्रिविलेज, आई थिंक, फॉर AKP एंड फॉर अद्वैत, आई थिंक, टू बी वर्किंग विद अमित एंड कौसर. अमित का मैं काफ़ी अरसे से फ़ैन रहा हूँ, और बड़ी इच्छा थी अमित के साथ काम करने की. एक दो दफ़ा मैंने उनको ऑफर भी किया था फिल्म में, लेकिन उनको नहीं करना था मेरे साथ काम. तो बड़ी मुश्किल से वो माने हैं ये फिल्म करने के लिए.
And it's a real privilege because I believe that Amit is such a talented musician. It's such an amazing, music mind, creative person. So it's really wonderful that we got the chance to work with him. And they gave us very good songs for our film. Kausar, I know Kausar when she was very small. Our families are very close. And it's really wonderful to see a little girl who I used to... I mean, I was little at that time. Abhi little hoon, lekin it's wonderful to see how Kausar has bloomed as a creative mind. And itne behtareen unhone gaane likhe hain hamare liye. So I really want to thank both of you, yeah, Kausar and Amit. And I want to thank Zee Music because we've had a really wonderful association in Dangal. And it's been a real pleasure to work with the Zee network, the Zee team, and now with Zee Music. You've done a wonderful job and I really, really appreciate that. So thank you so much, guys. Aur Meghna ke baare mein to jitna main kahun wo kam lagta hai mujhe. Ye hamari khushnaseebi hai ki hame itni talented awaaz mili hai hamari film ke liye, kyunki baghair is awaaz ke hum ye film hi nahi bana pate. Meghna jo hai wo ek film family se belong karti hai, unke parents yahan aaj maujood hai aur mujhe yakeen hai ki unke liye ye bahut hi ek ahem din hoga. Aapki bachchi jo hai apna pehla kadam le rahi hai. तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, मेघना के साथ हैं, एंड आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मेघना. यू आर रियली टैलेंटेड एंड यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो. सो गाइस, एनी क्वेश्चंस प्लीज, वी आर हैप्पी टू आंसर. हाय आमिर, अद्वैत, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, बहुत अच्छा शूट किया आपने. जिस तरीके से बीट्स के साथ लाइट्स आती हैं सेकेंड उसमें, सवाल ये है आमिर सर कि इसमें एक लाइन है कि मैं कौन हूँ, जब ये पर्टिकुलर लाइन आपके जहन में आती है तो क्या जवाब निकलते हैं आपकी तरफ से? अगर मैं आपको बताऊं, मतलब सच अगर आपको मैं बताऊं, तो ये जो गाना है, जो इसके अल्फाज हैं और जो जज्बात ये इवोक करता है गाना, ये हर क्रिएटिव इंसान के, हर क्रिएटिव आदमी के अंदर ये थॉट हमेशा रहता है. मतलब मुझे करीबन 25 साल हो गए एज एन एक्टर इस फील्ड में, लेकिन आज भी जब मैं आप लोगों को गाना दिखाता हूँ या अपना ट्रेलर दिखाता हूँ तो मुझे उतनी ही नर्वसनेस होती है. और ये जितने थॉट्स इस गाने में कौशल ने लिखे हैं, मैं कौन हूँ, मैं चांद हूँ या दाग हूँ, मैं बूंद हूँ या हूँ लहर, तो जितनी इनसिक्योरिटीज होती हैं एक क्रिएटिव इंसान के मन में, दिल में, जब भी वो कोई कदम लेता है, वो ये गाना जो है आपको बताता है. और एक क्रिएटिव इंसान के अंदर क्या चल रहा है, वो जो तूफान चलता है, मतलब मैं हूं भी या नहीं, इससे फर्क किसी को पड़ता है या नहीं, ये सारे सवाल हमारे अंदर उठते हैं. सो इट्स अ सॉन्ग विच इज रियली फॉर क्रिएटिव पीपल एंड उनके दिल में क्या चलता है, जो तूफान चलता है हर क्रिएटिव इंसान के दिल में, जो डाउट्स होते हैं, जो सेल्फ डाउट्स होते हैं, जो होप्स होते हैं, जो एस्पिरेशंस होते हैं, वो सारा ये गाना जो है वो बाहर लाता है. सो फॉर मी दिस सॉन्ग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉन्ग पर्सनली एज अ क्रिएटिव पर्सन. अमित, किस तरीके की एल्बम होने वाली है, थोड़ा ये भी बताएं, क्योंकि एक गाना तो हमने सुन लिया. पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आमिर सर ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कही मेरे बारे में. एक्चुअली ऑनर और प्रिविलेज, बिफोर आई कम टू योर क्वेश्चन, ऑनर और प्रिविलेज तो मेरा है कि बिकॉज आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ AKP एंड And the experience has been so wonderful. Itna phenomenal experience raha overall. Pehle gaane se leke ab har score tak itna kuch seekhne mila Amir sir se aur is film se ke I'll be forever grateful to Amir sir and Advait sir for having me on board for this film. Aur pure album ki baat kare to is ye album ek singer songwriter par puri based hai. It's a girl jo inse aapne dekha character, she's a singer songwriter. गाना गाती है, खुद अपना गाना लिखती है या कंपोज करती है. तो सारे गाने आप पूरे एल्बम इज हर स्टेट ऑफ माइंड, कहीं ना कहीं इट्स हर हर जर्नी, इट्स हर होप्स, हर एस्पिरेशन, तो सारे गाने उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं इन अ वे. अनुराग, आपकी दूसरी फिल्म ये है आमिर के साथ एंड चौथी आई थिंक अमित के साथ है. सो अभी ये एसोसिएशन चलता रहेगा, किस तरीके से आपने प्लान किया है? I think this is our second film, as you rightly said, with Amir sir, and we really thank him for the opportunity.
It's been a great association. We were new kids on the block on Dangal, and now I think it's time we show the world that we are the number one label. And thanks for the opportunity with this. Amit and us go back long. We've done not only four, I think we've done some more number of albums, and I'm sure this is another success to the rooster of films that we're doing with AKP and Amit. Thank you. Hello. Hi. Ji. Hello. Tell me about that. I don't know whether you'll call her a rebel. Rebel to nahi hai. लेकिन हर क्रिएटिव इंसान में कुछ तो रिबेलियन होता है और वो अपनी जगह ढूंढ रही है. वो अपने आप को भी समझने की कोशिश कर रही है, अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रही है और जिस सिचुएशन में है वो उससे स्ट्रगल करके ऊपर आने की कोशिश कर रही है. अमित आपके सामने है, आपके सामने अमित. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. अमित फ्रॉम दैनिक जागरण. अच्छा अमित, आमिर सर सुपरस्टार हैं ये तो सब जानते ही हैं और वो अपनी मतलब सिंगिंग की सीक्रेसी टाइम टाइम पे निकालते रहते हैं. क्या इस फिल्म मेरी सिंगिंग की तो मतलब क्या इस फिल्म में भी आपने उनके इस मतलब सीक्रेट का इस्तेमाल किया? वो एक सीक्रेट है. एक्चुअली यार दरअसल फिल्म में या तो 7 गाने हैं या 8, हम लोग भी शोर नहीं है. आमिर एक सवाल और था ये, लेकिन मैंने इस फिल्म में गाया नहीं. टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक आप वही पूछ रहे हैं ना कि मैंने इस फिल्म में नहीं, मैंने नहीं गाया. देखिए इस फिल्म में हम लोगों को सिंगर्स चाहिए थे. आमिर सर एक सवाल आपसे था, चूंकि आप जो भी कहते हैं उसका एक नेशनल इम्पैक्ट होता है. इन दिनों बिहार में मतलब भीषण बाढ़ आई हुई है, 1 करोड़ लोग अफेक्टेड हैं उससे, 150 से ऊपर मतलब मौतें हो चुकी हैं. गुजरात में तो आपने मतलब खुद अपने लेवल पे किया भी है काफ़ी कुछ. बिहार सरकार से और मतलब जो उनके प्रशासन से, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपील? मुझे यकीन है कि सरकार पूरी कोशिश कर रही होगी उस सिचुएशन से निपटने की. नेचर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो ये है कि हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं. जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें हर भारतीय जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है. तो मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि जो चीफ मिनिस्टर्स फंड है बिहार का, उसमें आप कंट्रीब्यूट करें ताकि सरकार जो है वो अपना काम कर सके. हमें इस वक्त जो हमारे भाई बहन हैं बिहार में, और इस साल कई जगह बाढ़ आई है हिंदुस्तान में, तो हम इतना तो कर सकते हैं कि हम उनके इस वक्त मदद हम करें. तो सभी से मेरी अपील होगी और मैं भी यही करूँगा कि हम चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करें और फिर सरकार को अपना काम करने में. आमिर सर एक सवाल बस और था कि जो मतलब स्टार्स हो गए, आप लोग हो गए, आप सलमान शाहरुख या मतलब और भी ऐसे जो अगर 50s में आ जाते हैं अपने एज के और एक मतलब अच्छा खासा स्टारडम वो देख चुके होते हैं, तो क्या 50s में आकर के ऐसे स्टार्स को मेंटोर वाले रोल करने चाहिए मतलब, या लवर बॉय वाले रोल भी उन्हें करने चाहिए? जब मैं 50s में पहुंचूंगा तो आपको इसका जवाब दूंगा. इस वक्त मैं 18 का चल रहा हूं. हेलो कौसर, मैं जानना चाहती हूँ इस तरफ या इधर इधर ये सही. इतना खूबसूरत गाना आपने लिखा है, तो आपको सिचुएशन दी गई थी पहले या आपने गाने के बोल लिखे थे और फिर उसको इसमें फिट किया गया था? ये पर्टिकुलरली जो गाना है, हेलो, ये जो गाना है ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़रूरी एक लर्निंग जर्नी रही है, क्योंकि वो तो किसी भी फिल्म की शुरुआत में जब आप गाने लिख रहे होते हैं तो आपको स्क्रिप्ट सुनाई जाती है, जाहिर है सिचुएशन दी जाती है. तो मैंने एक गाना लिखा, हमने वो एक गाना बनाया जिसका हमें बड़ा कन्विक्शन था कि ये सही थॉट है, ये सही रूट है. और आमिर सर ही एक थे जो श्योर नहीं थे, लेकिन ये हमारे कन्विक्शन के साथ गए. उन्होंने कहा ठीक है, अगर पूरी टीम को लग रहा है, अगर आप लोगों ने आपने लिखा है बनाया है तो ठीक है, वी विल गो विथ इट. और जब ये वो गाना बना और जब फिल्म पे लगा तो फिर हमने सब ने रियलाइज़ किया कि दैट इट्स जेन्युइनली नॉट वर्किंग. एंड आई रियलाइज दैट व्हाट वाज नॉट वर्किंग वर द वर्ड्स. वो एक कम्प्लीटली अलग रूट था. तो वो मेरे लिए भी एक सेल्फ डिस्कवरी, एक जर्नी रही कि नहीं, ये जो कैरेक्टर है, जैसे आमिर सर ने कहा कि एक क्रिएटिव पर्सन के जहन में जो जद्दोजहद रहती है, फिर मैं मेरी खुद एक 15 साल की बेटी है,
तो उसके ड्रीम्स, उसके एस्पिरेशंस क्या है, मैंने उसके बारे में सोचा और फिर ये गाना बना. सो ठीक है, मैंने वर्ड्स लिखे हैं, बट आई विल इन फॉर दिस सॉन्ग आई विल जेन्युइनली गिव अ लॉट ऑफ द क्रेडिट टू द होल टीम एंड पर्टिकुलरली टू मिस्टर आमिर खान, बिकॉज इन्होंने बहुत डेमोक्रेटिकली हमें बता दिया कि देखो दिस वॉज द राइट रूट टू टेक. थैंक यू. नहीं, एक्चुअली कौसर जो कह रही है वो सही है कि हम लोग ने पहले दूसरा गाना बनाया था. और मैं हमेशा मानता हूँ कि क्रिएटिविटी में कुछ सही और गलत नहीं होता. देर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग इन क्रिएटिविटी. हर इंसान की अपनी थिंकिंग होती है, हर क्रिएटिव इंसान की अपनी थिंकिंग होती है. और जब पूरी टीम को वो गाना अच्छा लगा था तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो देन लेट्स गो विद दैट सॉन्ग. बट ये फिल्म मेकिंग इज़ अ प्रोसेस, यू डिस्कवर सम थिंग्स. आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतनी ऑनेस्टी होनी चाहिए कि जब आप कुछ काम करें और आपको खुद लगे कि यार ये शायद ठीक नहीं हुआ, तो आप सबसे पहले तो वो बात माने और फिर उसको करेक्ट करें, जो हम लोगों ने किया. बट उससे ज़्यादा मेरा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था इसमें. आई थिंक कौसर ने बहुत ही खूबसूरत थॉट्स लिखे हैं इसमें, एंड अमित हैज़ कम आउट ऑफ द ब्यूटीफुल ट्यून. बल्कि इस गाने का जो मेकिंग है वो भी आप बहुत जल्द देखेंगे, तो आप उसका प्रोसेस भी देखेंगे कि किस तरह ये गाना बना. एंड आई थिंक इसमें एक बहुत बड़ा हाथ अद्वैत का है, बिकॉज अद्वैत इज़ द पर्सन हु इज़ एक्चुअली गाइडिंग द होल टीम, एंड ही इज़ द पर्सन हु इज़ पुटिंग द सीड्स ऑफ दोज थॉट्स इन ऑफ कोर्स अमित एंड कौसर एंड ऑल ऑफ अस. अमित सर, आपके स्ट्रेट सामने मेरा सवाल है आपसे कि मेघना की खोज कैसे हुई, और ज़ायरा म्यूज़िक से पहले से राबता रखती थी या फिर इसके लिए उन्होंने कुछ ट्रेनिंग या फिर किस तरह से उनकी तैयारी हुई है? ज़ायरा का दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं है म्यूज़िक के साथ. जैसे दंगल में दूर दूर से कोई कुश्ती के साथ उनका रिश्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने दंगल में कुश्ती के लिए ट्रेनिंग की और इस फिल्म में उन्होंने गिटार सीखा, जो एक बहुत ही बड़ा काम है. हम एज एक्टर्स हम लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि हम जब कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाएं तो हम उसको एक्यूरेटली बजाएं, बट आई थिंक शी हैज़ गॉन अ स्टेप फर्दर. उसने मेघना के साथ बहुत वक्त गुजारा एज अ सिंगर, बिकॉज शी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू नो हाउ टू सिंग, एंड शी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ मेघना, दी टू रिहर्स टुगेदर. और बाकायदा उन्होंने गिटार सीखा सारे गानों का जहाँ जहाँ उनको बजाना था, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने सीखा. क्योंकि देखिए, आप बजा तो लेते हैं, लेकिन हमें ये दिखाना था कि जो किरदार है वो शी इज़ अ बॉर्न आर्टिस्ट. तो जब वो गिटार बजा रही है, आपको ज़रा सा भी उसमें एफर्ट नज़र नहीं आना चाहिए, ज़रा सा भी एफर्ट, वो इट्स सेकेंड नेचर फॉर हर, एंड आई थिंक शी इज़ अचीव दैट रियली ब्यूटिफुली. मेघना का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों ने जब अमित को ये कहानी सुनाई और उनसे कहा कि हमें एक इसमें हमारा जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, गाने तो हमको अच्छे चाहिए ही, लेकिन हमें एक आवाज़ चाहिए, क्योंकि हमारी कहानी ही है एक ऐसे किरदार की जो कंपोज़र है, सिंगर है, म्यूज़िशियन है, तो उसके लिए हमें एक आवाज़ चाहिए जो फ्रेश हो, नई हो, और जो उस एज ग्रुप में हो. 14-15 साल की लड़की है, उसकी आवाज़ है. और मैं सोच रहा था कि पता नहीं कहाँ से अमित ये ढूंढ के लाएगा, बिकॉज इट्स नॉट ईजी. जब हम नया टैलेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, वक्त लगता है. आई थिंक उस प्रोसेस के बारे में अमित हमको बताएंगे, बट इट वॉज अ वेरी क्रिटिकल, मतलब अगर हमको मेघना की आवाज़ नहीं मिलती तो हमको फिल्म डिले करनी पड़ती जब तक हमको सही आर्टिस्ट, जैसे अगर हमको ज़ायरा नहीं मिलती फॉर एग्जांपल, या तारे ज़मीं पर में हमको दर्शील नहीं मिलता, हम उसके बगैर फिल्म नहीं बना सकते. आमिर जी, बट व्हाट इज द प्रोसेस, टेल अस. हाँ, तो जैसे मुझे नरेशन मिला और समझ में आया कि एक 15 साल की लड़की की कहानी और उस पर बेस्ड है और सिंगर सॉन्ग राइटर है, तो इमीडिएटली मैंने अपना सर्च इंजन चालू कर दिया. आई हैव अ प्रोडक्शन मैन कॉल्ड आशीष हु हेल्प्स मी इन दैट. तो उनको कहा मैंने कि अभी हमको एक 15 साल की लड़की, एक बहुत खूबसूरत सिंगर की तलाश है. तो उन्होंने इमीडिएटली हंट शुरू किया, और कुछ दिन लगे, थोड़ा वक्त लगा, थोड़ा सा टाइम लगा, और कुछ आठ दस ऑप्शंस थे मेरे पास, उन्होंने भेजे, 8-10 ऑप्शन सुने, तो काफ़ी सारे वॉइस सुने. और जैसे व्हेन आई स्टंबल्ड अपॉन मेघनाज वॉइस, जहाँ पे मैं पहुँचा, तब एक कुछ एक आई डोंट नो समथिंग अबाउट हर वॉइस दैट रियली टच्ड, एक सोल था एक वॉइस में, कुछ एक बात थी जो कुछ डेमो सुना था मैंने, दे वाज रियली प्योर. और जैसे सर ने कहा कि एफर्टलेस, काफ़ी एफर्टलेस सिंगिंग था, इट वॉज लाइक फ्लोइंग. और इतना वो
मुझे सही और करेक्ट लगा कि मुझे लगा कि आई थिंक दिस शुड बी द वॉइस, आई वॉज नॉट श्योर. तो मैंने वैसे ही मुझे मुझे अच्छा लगा तो मैंने सर के साथ शेयर किया, अद्वैत के साथ शेयर किया, और आई थिंक वी ऑल केम ऑन बोर्ड. आई थिंक वी ऑल लाइक्ड द वॉइस. वी न्यू इंस्टेंटली कि दिस इज द राइट वॉइस फॉर इंसिया द कैरेक्टर. आशीष ने तो मुझे बताया था कुछ 28 आवाजें चेक की थी. काफी सारे आप तो 8-10 बोल रहे हो. काफी सारे. इट वाज अ लॉन्ग टाइम एंड अ लॉट ऑफ वॉइसेस वर चेक्ड बिफोर वी फाइनली फाउंड मेघना. आप सीक्रेट्स रखने में माहिर हैं, वो मार्केटिंग की बात हो या फिर पीके में भी जो आपने तरीका चुना था, तो बचपन के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो, या फिर स्कूल के दौरान या फिर कभी भी, जो आप शेयर करना चाहें एक दो भी? देखिए सीक्रेट है, मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा. कुछ आपने ऐसा किया और फिर पकड़े गए हो वो सीक्रेट्स? ऐसे नहीं, एक्चुअली मेरी जिंदगी जो है वो खुली किताब है. आई थिंक आप लोग शायद ज़्यादा जानते होंगे मेरे बारे में. और मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं. आमिर सर, या रिपोर्ट्स नहीं, वो तो मैंने बोला था भैया. इसमें कोई शक नहीं था. आई एम फीलिंग मच बेटर, थैंक यू. आमिर जी, हाँ, ये जो ठग्स के लिए जो मैंने कान में छेद किया है 2 एक्स्ट्रा और यहाँ नाक में, तो शुरू में काफ़ी तकलीफ हुई थी. तभी को होती है, मतलब जब आप फ्रेशली पियर्स करें और ख़ासतौर से जो कार्टिलेज है यहाँ पे कान में, तो थोड़ी तकलीफ होती थी, बट आई एम फुली रिकवर्ड. आमिर, हाय टुवर्ड्स योर राइट. या हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू सी यू आफ्टर स्वाइन फ्लू. ओके, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मेघना. माई क्वेश्चन इज फॉर यू. यू आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट यू, यू रियली हैव अ वेरी नाइस वॉइस एंड थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस. Since this is a musical venture, so how tough or how easy was it for you, and what kind of responsibilities you had? सबसे जरूरी चीज था कि सबसे पहले दिन जब मुझे कुछ पता नहीं था इस बारे में, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, काम क्या है, फिल्म है कि क्या है. बट जब मुझे पता चला फुल्ली कि ये फिल्म है, म्यूज़िक पे बेस्ड है, तो बहुत ही मतलब एक क्रिएटिव लगा कि चलो फाइनली एक अच्छे एक्चुअल म्यूज़िक पे बेस्ड एक फिल्म बन रही है. बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, बट देन मैं तो सिर्फ फॉलो कर रही थी. बट आई थिंक अमित सर और पूरी टीम पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, मेरे पे मैं तो सिर्फ फॉलो कर रही थी उन लोगों को जो भी वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे. एक्चुअली इनको इनको पहले दिन पे जब मैं मिला था तो ये काफ़ी थोड़ी नर्वस थी. एक्चुअली मैं तो अभी भी आपके सामने बैठा अभी भी हूँ, बट उस वक्त काफ़ी नर्वस थी, थोड़ी इंटीमेटेड थी, बिकॉज इनको पता था कि आमिर खान की फिल्म सर की फिल्म है और मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, तो वो थोड़ी सी वो थी. तो उनको मैंने सबसे पहले तो कम्फर्ट किया और उनको बोला कि प्लीज़ आप रिलैक्स कीजिए, बिकॉज आपकी वो आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आपकी गायकी में, आपके गाने में बहुत दम है, और हमें आपकी ही आपकी टैलेंट की इस फिल्म में बहुत ज़रूरत है. सो वो कम्फर्ट उनको दिया और उनको धीरे 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 गानों से इंट्रोड्यूस करवाया, और बाद में शी काइंड ऑफ जेल ब्यूटिफुली, और हमारे बीच की केमिस्ट्री भी थोड़ी बेटर होने लगी, बिकॉज इट फॉर मी ऑल्सो फॉर बोथ ऑफ अस इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस विद ईच अदर. But I think the icebreaker was when we went to Panchgiri. That's where at Amrita's house. That's where the actual process, work process started, of writing, of jamming together, jamming with each other, with Advait, with Kausar, with Meghna. We all of us were there, and that's where things were we started flowing easily, smoothly, and nicely. I think. Also, Meghna. क्योंकि यू नो मिस आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाते हैं, तो आपने ऐसी कौन सी चीज़ उनसे और अमित त्रिवेदी से सीखी इस दौरान? आई थिंक परफेक्शनिज एक थी चीज़ जो मैंने आमिर सर से सीखी, और अमित सर और दोनों एक्चुअली अमित सर और आमिर सर दोनों ही बहुत डेडिकेटेड हैं टूवर्ड्स उनके काम में, तो जो भी वो काम करते थे पूरा डेप्थ में जाके एकदम कैसे हर चीज़ को वो फाइन कर सकें, हर चीज़ को वो एकदम ताकि सबको पसंद आए, तो ये चीज़ मैंने सीखी कि हर एक जो भी वर्क उनको मिलता था वो बहुत ही एकदम क्लैरिटी करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए
बहुत ही डेप्थ में जाके उसका जो भी काम था वो करते थे, तो डेडिकेशन मैंने देखा दोनों में, और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने देखा उन दोनों में, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी दोनों से, सबसे कि बहुत सारी चीज़ें सी। मेघना के बारे में बताओ, उनके पेरेंट्स जो हैं वो दोनों बहुत हैं, फादर सिंगर हैं और उन्होंने ही सिखाया है मेघना को, एम आई राइट? और उनकी जो अम्मी हैं वो तबला बजाती हैं और डांसर भी हैं, और मैं उनसे दोनों से एक्चुअली एक से तबला सीखना चाह रहा हूँ, एक से सिंगिंग सीखना चाह रहा हूँ, और ज़रूर मैं एक दिन ये करूँगा। आमिर सर, उनके नाम अगर जाए, मैं एक और चीज़ बताऊँ मेघना के बारे में, वो जब कई साल पहले वो टैलेंट कॉन्टेस्ट में थी और वो रिजेक्ट हो गई वहाँ पर, मतलब मैं तो ताज्जुब, मतलब मुझे आज पता चला ही है, मैं शॉक्ड हो गया सुन के कि वो रिजेक्ट हो गई थी, और इतनी टैलेंटेड लड़की, इतनी टैलेंटेड बच्ची, तो मतलब ये भी होता है लाइफ में। आमिर सर, आपके सामने अमित एक बार फिर से कि सॉरी कि एगना की जो है वो उनके अम्मी अब्बा मतलब कौन है अगर वो बता सकें, हाँ। और मतलब जो टर्म है परफेक्शन, वो कितना मिथ है या कितना रियल मतलब है? देखिए, परफेक्शन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ये मैं एक्चुअली कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ लेकिन कोई सुनता नहीं मेरी और क्रिएटिव फील्ड में तो ख़ास तौर से परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर क्रिएटिव इंसान का अपना नज़रिया होता है और हम उसको फॉलो करते हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं। ये ज़रूर है कि आई डू बिलीव दैट गॉड लाइज इन द डिटेल, एंड जब तक हम उस चीज़ से टोटली सेटिस्फाइड ना हो, हम उस पर काम करते रहें। आई डू बिलीव दैट। और मैं कैन आई जस्ट इंटरप्ट एक्चुअली बिकॉज आई वर्क सो मच विथ हिम, और ये परफेक्शनिज्म का आते रहता है, तो एक्चुअली आई कीप थिंकिंग अबाउट इट ऑल्सो। आई डोंट थिंक हीज़ अ परफेक्शनिस्ट, आई फील लाइक ही इज़ जस्ट वे मोर हार्ड वर्किंग दैन अदर पीपल, बिकॉज वेरी ऑफन वॉट हैपन्स इज़ व्हेन आई एम वर्किंग विद यू ऑन समथिंग, वेदर इट्स अ मेकिंग ऑफ यूनिट और अ सॉन्ग, कहीं जाकर लगता है चल अभी थक गया, अभी हो गया, अच्छा बन गया, and then he'll still work on it for one two more weeks, you know. So I feel like it's just that you're so much more hardworking than other people that at some point people stop and then you keep going at it, which to others feels like yaar ye banda kitna perfectionist ban raha hai. Actually I would like to add, because I have had the first time experience working on this, and I've heard about it, but when I've worked with sir, the constant thing that I realize that in AKP is all about bettering the product. It's not about how perfect it is, because I think the constant aim is to make it better and better, so that the product is ultimately jo aana hai logo ke samne, it's the best from, at least from your side, at least from your heart and mind, you've given your best and you think this is the best product. So I think it's just better and to make it better and better, and that's the constant thing that I have learned, and it's a great, I think, the most amazing quality to have, most amazing quality. Amir sir, aur unki family ke bare mein. Ha, Meghna, why don't you introduce your parents to everybody? Mere papa. Aye na, aap log samne aaye, log aap logon ko dekhna chahte hain. Aur meri mummy bhi aayi hain, Aarti Mishra naam hai. To ye dono ne mujhe bahut guide kiya mere life ke through. Aur sabse pehla credit actually main parents ko hi dena chahti hoon. अच्छा, उनका नाम है संजय मिश्रा और मम्मी का नाम है आरती मिश्रा। Before 2010, there was the trend of releasing films on the Diwali day. But after that, there has been a massive shift when producers have started releasing the film the day post Diwali. But again, this film is again, if I'm not wrong, releasing on the Diwali day. On the Diwali day. So what was the thought process behind this release days, and how involved were you in this? Well, we
once the film was in a shape that we felt is ready, then we were looking for the right date. We were in fact trying to release in August earlier. Yeah. But we realized ki hum log jo kaam hai wo pura nahi hoga, so then we looked for a date which is later. Diwali is a great period to release in. And jo aap bol rahe hain ki Diwali ke din kare ya kuch log sochte hain ki Diwali ke din na karke ek do din chhod ke kare jaise, the reason is that actually traditionally speaking Diwali ka jo din hai usme hum log sab as Indians itne masroof hote hain festival mein of Diwali ki hum log us din jo hai wo collections usually drop very drastically. Jo Diwali ka din hota hai wo theater collections ke liye acha nahi mana jata, kyunki us din hum log sab apne rishtedaron mein busy rehte hain, फेस्टिवल मनाने में बिजी रहते हैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट डे है हमारे लिए एज इंडियंस. तो फिल्में फिल्म थिएटर हॉल्स में हम लोग कम जाते हैं उस दिन, और अगले दिन जो है वो एक्चुअली लोग बाहर निकल के फिर थिएटर्स में जाते हैं. तो प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते हैं कि वो पहला दिन जो है वो बड़ा कलेक्शन हो, रिकॉर्ड्स टूटे वगैरह वगैरह. तो दिवाली के दिन लोग नॉर्मली अवॉइड करते हैं, दे ट्राई कि एक दिन बाद. बट हम लोग को लगा कि उस दिन का कलेक्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट वो एक बहुत शुभ दिन माना जाता है. तो वी वॉन्ट टू रिलीज ऑन अ डे विच इज इमोशनली इम्पॉर्टेंट टू अस. कलेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट. एंड अद्वैत ओवर योर स्ट्रेट, यू नो दिस फिल्म स्पीक्स अबाउट जर्नी ऑफ अ सिंगर एंड दिस इज योर डेब्यू फिल्म, सो हाउ हैज बीन योर जर्नी एज अ डायरेक्टर एस्पेशली विद आमिर खान प्रोडक्शंस? यार आई कीप सेइंग मेरी लॉटरी तो तभी लगी थी व्हेन आई गॉट टू बी अ प्रोडक्शन असिस्टेंट ऑन तारे ज़मीन पर. So actually it's been a lovely journey. I've been working with Aamir Khan Productions now for about 10-11 years. And it's been really like a dream come true. Hi. Aamir sir, you're straight ahead. Yeah. Aamir sir, were there ever any reservations from the team to clash the film with Golmaal Tree, considering that it's part of a very successful franchise, or were you all always clear to release it on Diwali? Well, I think Diwali is a date which, you know, has the bandwidth to take two releases, so that was not a concern. And you shoot a lot of films on Diwali. Usually you have two films, very rarely do you actually have only one film on Diwali. So Diwali really has the space to take two films, that is one. So I think both films will have their own space. And I also feel that in terms of the kind of films they are, the, you know, the genre seems to be very different. Golmaal is you know, out and out entertainer. This is got a for us very important story. So I don't think there's any clash. Amir, straight here. We'll take this as a last question, please. Where? Amir, this side. Yeah. Connecting to the question. I'll come to you. आप शाहरुख और सलमान, आप लोगों ने तकरीबन ढाई दशक तक बॉलीवुड पर रूल किया है. जब भी कोई फिल्म आती है तो नो डाउट 3-4 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा टच कर देती है. बट हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि सलमान की ट्यूबलाइट या फिर शाहरुख की जब हैरी मेट सेजल, वो आंकड़ा टच नहीं कर पाई थी. क्या कह सकते हैं आप बॉलीवुड का ट्रेंड चेंज हो गया है, लोग कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स ज़्यादा देख रहे हैं ना कि स्टार स्टडेड फिल्म्स? ट्रेंड चेंज हो गया है थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट होगा. आई थिंक हर क्रिएटिव इंसान के ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं. हम सब कोशिश करते हैं कि हम अच्छा काम करें, हम सब कोशिश करते हैं कि हम ऐसा काम करें जो लोगों को पसंद आए. कभी कभी हम कामयाब होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं. तो उससे हमको मतलब वी शुड नॉट गेट फेज्ड बाय दैट. वी शुड कंटिन्यू टू डू व्हाट वी बिलीव इन. एंड आई थिंक के जब भी आप स्टार्स का नाम लेते हैं, आप सिर्फ तीनों का नाम लेते हैं, ये सही नहीं है. आई थिंक हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे बहुत ही टैलेंटेड स्टार्स हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हैं. अक्षय की अभी फिल्म आई है टॉयलेट, जो बहुत अच्छी जा रही है, एंड पीपल लव हिज वर्क. सो यू नो देयर आर ऑल ऑफ अस आर देयर, वी आर ऑल ट्राइंग टू डू गुड वर्क. समटाइम्स वी सक्सीड, समटाइम्स वी डोंट. आई डोंट थिंक दैट शुड directly reflect on the immediate stardom, you know, of a person. We'll take this last, please. You know, we'll stick to the film questions. No. So, is your question about the film? So we'll stick to the film. Thank you, guys. Thank you. I actually think that ye bahut hi important occasion hai आरती और संजय जी के लिए भी, तो मैं चाहूंगा कि आप भी दो शब्द बोलें हम लोग को. रहने दो, बस करो.
میں اپنی خوشی ظاہر نہیں کر پا رہا ہوں. یقیناً میں اس سے زیادہ نہ کبھی خوش ہوں گا اور نہ ہوا, بیکوز کہ عامر خان ایک ہمارے ڈریم تھے, اور کیا نہیں ہے وہ میرے بس کے باہر کی چیز ہے. آپ لوگ تو جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. یہاں پہ آنا اندر کی وہ اسپائنل کارڈ بھی ہل رہی ہے اور بولنا تو بہت مشکل ہے, اور اس میں ان کی تعریف کرنا یا تعریف نہیں, میں یہ کہوں گا کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بڑی مشکل سے ایسے لوگ آتے ہیں اور ان کے زمانے میں ہم ہیں, ہزاروں سینکڑوں سال بعد ایسے لوگ آتے ہیں دھرتی پہ اور ان کے زمانے میں میں ہوں, اس سے بڑی خوش نصیبی میں نہیں سمجھ سکتا. ہمارے بچے, ہمارے گرینڈ سنس یہ بولیں گے ہمارے دادا جی کے زمانے میں عامر خان تھے. اور اتنے ریئل, آپ لوگ تو پرفیکشنسٹ بولتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ آگے چل کے ایک بہت بڑے سنت ہونے والے ہیں. ایسا ہارٹ ہے ان کا کہ آپ دیکھیے گا ایک دن بہت بڑے سنت کے روپ میں جانے جائیں گے. میں اتنا محسوس کیا ہوں, صرف تین چار بار ملا ہوں, مگر اتنی کلیئر, اتنا شدھ ان کا من ہے کہ میں بہت شکر گزار ہوں اوپر والے کا کہ اینی ہاؤ یہاں تک انہوں نے میری بیٹی کو پہنچایا. اور تھینک یو, اب میں کچھ کہہ نہیں پا رہا ہوں. تھینک یو. میگھنا, میرے شادی کے 4 سال بعد ہوئی, 4 یا 5 سال بعد. ہم پلان نہیں کر رہے تھے کیونکہ بہت اسٹرگل کر رہے تھے اس سمے, تو اگر پلاننگ کے انوسار وہ پہلے ہی ہو گئی ہوتی تو آج 18-19 سال کی ہوتی. اور شادی ہو کے میری 21 سال ہوئی ہے, اس کے 5 سال بعد میگھنا ہوئی, اور تھینک گاڈ وہ بیٹی ہے سب سے بڑی بات. اور بیٹی اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. ابھی آگے جا کر یہ بھی نہ ہو کہ بس بیٹیوں کو ہی وہ کیا جا رہا ہے, تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی چیز کیا کہتے ہیں, ورڈ ہے, ہاں مطلب ایک دم کسی بھی چیز پر جیسے دھرم کو لے کے لوگ لڑتے ہیں ایک دم ہی وہ ہو جاتے ہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے دنیا میں. سب کو سمان یعنی, پر بیٹے بھی ضروری ہیں, بیٹی بھی ضروری ہے. تو مجھے اس بات کا کوئی مطلب مجھے بہت خوشی ہے کہ بیٹی ہے, اور 4 سال بعد ہوئی, اور آج ہی کے دن ہوئی, منڈے کو پیدا ہوئی تھی. صبح 9:30 بجے ہمیں بلایا گیا تھا, 9:30 بجے پیدا ہوئی. تو اور میں شکر گزار ہوں کہ میرے ہسبینڈ ایک گائک ہیں جس کی وجہ سے وہ اچھا گا رہی ہے, اور تھینک گاڈ اینڈ امیت جی, عامر جی, آشیش جی, مسٹر پال, جن کے تھرو ہم یہاں تک پہنچے, اور سنتوش مریکر جی, تھینک یو, تھینک یو ویری مچ. گائز تھینک یو سو مچ. اینڈ یہ ہمارا پہلا گانا ہے, آئی ہوپ کہ جیسے جیسے ہمارے گانے آپ کے سامنے آئیں گے آپ لوگوں کو اتنی پسند آئیں گے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر ٹوڈے.